अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। इस वक्त की सबसे बड़ी और ताज़ा अपडेट से आपको आगाह कराते हैं। जम्मू और कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर से नज़रबंद कर दिया गया है। इस बात की तस्दीक महबूबा मुफ्ती ने अपने एक ट्वीट पैगाम के जरिए की है, जब उन्होंने लिखा कि मुझे एक बार फिर से घर में नज़रबंद किया गया है उनकी रिहाइशगाह पर। और इसी हवाले से हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ शाहिद इमरान साहब। शाहिद साहब, आपके पास क्या तफसीलात है इस डेवलपमेंट के हवाले से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जहां तक महबूबा मुफ्ती का ताल्लुक है, महबूबा मुफ्ती को आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। और इस नजरबंदी के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि महबूबा मुफ्ती की जो डॉटर है इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने एक ट्वीट के जरिए बताया कि महबूबा मुफ्ती एक्चुअली वहीद परा के घर जाना चाहती थी, क्योंकि वहीद परा को गुज़िश्ता दिनों नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। उस हवाले से महबूबा मुफ्ती का ये मकसद था कि वो इनके अहले खाना के साथ कम से कम इजहारी यकजहती करें इस मामले को लेकर। तो बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस को ये खदशा हुआ कि शायद उसकी वजह से कानून और व्यवस्था बिगड़ सकती है अगर वो वहीद परा के घर जाके, पुलवामा के काकपुरा में जाके वहीद परा के अहलखाना के साथ इजहार यकजहती करें, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो सकते थे। इलेक्शंस का माहौल इस वक्त चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है जो यहाँ पर खुल के सामने आ रही है, इससे पहले भी पीपल्स अलायंस के जो लीडरान है उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी मूवमेंट पे या उनकी जो वो इलेक्शन कैंपेनिंग के हवाले से लोगों से मिलना चाहते हैं, उनका पहले से ही ये इल्ज़ाम लगा है लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार पे कि उनको खुलेआम लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर पीडीपी के कई एक लीडरान के बयान सामने आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान के बयान सामने आए। तो इससे यही पता चलता है कि अगर आज महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया, गरचे पुलिस और सरकार का ये मानना है कि महबूबा मुफ्ती को अगर पुलवामा जाने दिया जाता जहां पर वो वहीद परा के अहले खाना के साथ इजहार यकजहती करना चाहती थी, उससे उनका मानना ये था कि उसकी वजह से शायद वहां पे अमन कानून में खलल पैदा हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब से सबसे बड़ी बात यह है जो पीपल्स अलायंस या गुप्कार डिक्लेरेशन के लीडरान है उन्होंने इससे पहले भी इस बात का खदशा जाहिर किया है कि इसकी वजह से जो इलेक्शंस के हवाले से उनकी मुहिम चल रही है उसमें रखना डाला जा रहा है। सवाल ये भी सामने आ रहा है कि अगर पीपल्स अलायंस के लीडरान पर उनकी मूवमेंट पर कदगन लगाया जा रहा है तो यकीनन ये जरूर यहाँ पे कहना होगा कि इन लीडरान के जो लोग हैं वो उनको माइल करने के हवाले से भी इनको परेशानियां साबित हो रही है। उन्हें अपील की थी, कई एक लीडरान से भी हमारी बात हुई, मेरी खुद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई एक आला लीडरान से बात हुई, मेरी बात जो है पीडीपी के आला लीडरान से हुई, सज्जाद गनी लोन से हुई, तो उन्होंने यही कहा कि उनको आराम से इलेक्शन मुहिम चलाने नहीं दी जा रही है, चाहे हम जो सिक्योरिटी है या हिफाजती इंतजाम है उनकी बात करें या बाकी जो मामलात हैं इलेक्शंस के हवाले से, जो लोगों को माइल करने के हवाले से, लोगों को अपनी तरफ रागिब करने के हवाले से पीपल्स अलायंस के लीडरान को करनी थी, उस हवाले से रखना डाला जा रहा है, ये इन लीडरान का इल्ज़ाम है। ताहम आज जो ये न्यूज़ सामने आई कि महबूबा मुफ्ती को नज़रबंद कर दिया गया, इल्तिजा मुफ्ती को भी नज़रबंद कर दिया गया, क्योंकि वो वहीद परा के घर जाना चाहते थे, वहीद परा को गुज़िश्ता कई दिन पहले नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। जी आशिक, शाहिद आपसे ये भी जानने चाहेंगे कि एक तरफ जहां इलेक्शन का माहौल चल रहा है पूरे जम्मू और कश्मीर में, दूसरी तरफ से इसी दौरान एनआईए के छापे, सीबीआई के छापे और इन लीडरान को घर में नजरबंद करना, क्या लगता है आपको इलेक्शन में कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, यहाँ पे कई एक बातें सामने आ रही है। अगर हम नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है जम्मू कश्मीर में, इससे पहले भी आपने देखा इंजीनियर रशीद इस वक्त जेर हिरासत हैं, कई एक लीडरान जो है जम्मू कश्मीर के वो जेर हिरासत हैं, खासकर जब हम नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की बात करें। इंजीनियर रशीद एक मेन स्ट्रीम पार्टी जो अवामी इतिहाद पार्टी है उसके सरबरा है, तो इंजीनियर रशीद का इस वक्त जेर हिरासत या जेल में रहना या पाबंदी हासिल रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्शंस के हवाले से इंजीनियर रशीद के कैंडिडेट्स जो मैदान में लड़ रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि इंजीनियर रशीद
जावेद को जो एनआईए ने गिरफ्तार किया है उसके पीछे आखिरकार सदाकत क्या है, उसके पीछे आखिरकार वजह क्या है। तो आम लोग इसे यही वेंडेटा कहते हैं, जब तक जहां तक बीजेपी और मरकजी सरकार का ताल्लुक है आम लोग यही मानते हैं, या सियासी लीडरान यही मानते हैं जो इंजीनियर रशीद के हामी हैं वो भी यही कहते हैं कि ये बाजाबता तौर पर एक बदले की सियासत खेली जा रही है। जहां तक आपने नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की बात की तो आपने गुज़श्ता कई दिन पहले देखा होगा बाजाबता तौर पर कई एक पॉलिटिशियंस के नाम सामने आए जिसमें रोशनी लैंड स्कैम उसे कहा गया, उसमें लैंड लूट भी कहा गया, कई एक लोगों ने उसे लैंड लूट भी कहा। लेकिन इलेक्शंस के टाइम पे ये बातें सामने आना या ये जो डेवलपमेंट्स है सामने जो आ रही हैं इलेक्शंस के टाइम में, जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात अपने उरूज पर हैं, मुहिम के हवाले से कैंडिडेट्स मुहिम कर रहे हैं पीपल्स, तो उसमें से बिलखसूस कई एक नाम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक सीधे तौर पर या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है या उनका ताल्लुक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से है। तो उस को लेकर जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जो उनकी इकाइयां हैं उनका कहना है कि ये बाजाबता तौर पर एक बदले की सियासत इस वक्त इलेक्शंस के टाइम जो है बीजेपी की जानिब से खासकर उनको बदनाम करने की एक साजिश की जा रही है। इसमें बहरहाल देखना होगा कि आने वाले वक्त में जो इलेक्शंस फेज वाइज होना है, बाजाबता तौर पर वोटिंग होनी है, क्या वोटर्स पे ये असर पड़ेगा जो बदनाम उनके मुताबिक उनको किया जा रहा है, क्या वोटर्स उस चीज की वजह से उनके खिलाफ वोट डालेंगे वो भी एक देखने वाली बात होगी। बहरहाल जहां तक एनआईए या बाकी रेड्स का ताल्लुक है एजेंसीज आखिरकार क्या इशारे पे काम करती हैं ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, या रोशनी लैंड स्कैम क्या वो लैंड स्कैम वाकई उसमें जो लोग हैं उन्होंने गलत किया है, उन्होंने जो है गड़बड़ किया है, खासकर जब हम लैंड की बात करते हैं वो भी अपने आप में एक काबिले जो है इन्वेस्टिगेशन चीज है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने हमें तफसीलात से आगाह कराया। तो नाज़रीन आपको एक बार फिर बता दें जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर से घर में नज़रबंद कर दिया गया है, जब वो अपने एक साथी वहीद परा जो पीडीपी यूथ लीडर है उनके घर जाने वाली थी, और इस बीच उनकी गिरफ्तारी का होना एक तश्वीशनाक बात भी है। यहाँ की सियासत जब यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में DDC इंतखाबात के हवाले से तैयारियाँ अरूज पर चल रही है, इस बीच इन लीडरान का नज़रबंद होना एक तश्वीशकुन बात भी है। इस बीच कई सारी बातें भी सामने आई गुज़श्ता दिन में, हमने गुज़श्ता कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि जो कांग्रेस के सीनियर लीडर ताज मोहिद्दीन है उन पर भी CBI की तरफ से कार्रवाई की गई, और इस बीच NIE की रेड्स भी इस वक्त जारी है। महबूब मुफ्ती का ये भी इल्ज़ाम था कि जो BJP के मरकजी वज़रा है उनको फ्री हैंड दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर में कैंपेन करने के हवाले से, और हमें कदगने लगाई जा रही है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ। मुल्क किस तमीर से तरक्की में इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पेट तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी चाहे बुनियादन या तूफान महफूज रूजू तुह तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनन कश्मीर टर्बो TMT सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।